जो अपना टॉपिक है वो क्या है, ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, क्या होता है ट्रांसपोर्टेशन? देखो हमारी जो बॉडी है वो कैसी है, मल्टी सेलुलर है ना, और कंटिन्यूअस सप्लाई चाहिए ऑक्सीजन की, फूड की, और भी जो रिक्वायर्ड मटेरियल है उसकी। वो किसके हेल्प से होता है बेटा? वो होता है ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस की हेल्प से होता है। ठीक है ना, इनकी हमें क्या करना है, मटेरियल का ट्रांसपोर्ट करना है। कैसे करना है, कौन कौन इसमें हेल्प करता है, कैसे होता है, वो हम अपने इस लेक्चर में अब पढ़ेंगे। ठीक है, चलो देखो क्या है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमंस, हम जो ट्रांसपोर्टेशन पढ़ रहे हैं वो किसका पढ़ रहे हैं, ह्यूमंस का पढ़ रहे हैं। ठीक है, ह्यूमन बीइंग लाइक अदर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या है, नीड रेगुलर सप्लाई। किसकी सप्लाई चाहिए रेगुलर? फूड की। ठीक है ना, फूड की सप्लाई चाहिए रेगुलर, और ऑक्सीजन की चाहिए। दिस फंक्शन इज परफॉर्म्ड बाय सर्कुलेटरी सिस्टम, और इसके लिए हमें एक क्या चाहिए, सिस्टम चाहिए, और वो क्या है, सर्कुलेटरी सिस्टम। ह्यूमन का जो सर्कुलेटरी सिस्टम है बेटा, उसमें क्या क्या होता है, ब्लड होता है, ब्लड वेसल्स होती है, एंड सबसे ज्यादा जरूरी ह्यूमन का हार्ट। ठीक है ना, हाँ ह्यूमन हार्ट। ठीक है, तो क्या है सर्कुलेटरी सिस्टम, और जिसे क्या कह रहे हैं, ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ब्लड इज, अब ब्लड की मैंने बात की कि क्या चाहिए होता है, इसमें ब्लड है, ठीक है, ब्लड वेसल्स हैं। तो अगर ब्लड की बात करें बेटा, तो ब्लड क्या है, ब्लड क्या है, क्या लिखा है कि ब्लड इज ए कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड क्या है, एक कनेक्टिव टिश्यू है, और टिश्यू है मतलब एक सेल तो नहीं होगी। ठीक है, यानी कि यहाँ पर हम अलग अलग तरीके की सेल्स का पार्टिसिपेशन देखेंगे कि वो कैसे हेल्प कर रही है ट्रांसपोर्टेशन में। ठीक है, किसका क्या फंक्शन है, कौन कहाँ पे कैसे अपना रोल प्ले कर रहा है। ठीक, चलो अब कनेक्टिव है, अब क्या कर रहा है ब्लड जो है ना, वो देखो ब्लड के थ्रू ही चीजें जा रही है, चाहे वो ऑक्सीजन हो या फिर एब्जॉर्ब फूड हो, भाई ब्लड के थ्रू ही तो बॉडी तक जा रहा है ना। तो ब्लड इसमें हेल्प करा रहा है बेटा, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करा रहा है। ठीक है, ब्लड क्या है, एक फ्लूड है, और कनेक्टिव टिश्यू है, कनेक्शन जोड़ रहा है, और टिश्यू है क्योंकि इसमें एक से ज्यादा तो सेल्स होंगी। ठीक है, एक सेल तो होगी नहीं, इसलिए तो टिश्यू है। एक ट्रांसपोर्ट, क्या ट्रांसपोर्ट कर रहा है, नेसेसरी सब्सटेंस टू सेल एंड मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट को कहां से वापस से लेके आ रहा है, भाई जैसे बेटा ये कोई सेल है, ठीक है, इसमें यूजफुल सब्सटेंस की जरूरत है, तो वो यहां पर पहुंच गए, ट्रांसपोर्ट करा दिया ब्लड ने। लेकिन हमने अभी पढ़ा था कि CO2 हमारे किसी काम की नहीं थी, ठीक है ना, और भी कुछ अलग नाइट्रोजन बेस्ड होते हैं जो कि हमारे किसी काम के नहीं होते हैं, तो वो सब ब्लड में होते हैं, ब्लड के थ्रू ही फिर आगे जाते हैं, फिर जो भी उनका फिल्टर होना होता है। ठीक है, यूजफुल है नहीं है, ठीक है, अगर यूजफुल है तो हमारी बॉडी में रहेंगे, नहीं है तो वापस जाएंगे। भाई अगर ये एक सेल है, यहाँ पर अगर कोई यूजफुल मटेरियल को पहुंचाना है तो लेके जाएंगे, लेकिन यहाँ पर अगर कोई वेस्ट बन रहा है बेटा, तो उसको ब्लड ही तो वापस लेके जाएगा ना। भाई जो सीढ़ियाँ हमें ऊपर पहुंचाएंगी, भाई उसी से उतर के तो नीचे आएंगे, नहीं मैम वो ऊपर ही जाएंगे, वहीं बैठ जाएंगे बस। ठीक है, तो ये लिखा लिखा है फ्रॉम द सेम सेल। चलो ठीक है, अब देखो आगे क्या कह रहे हैं। ठीक है, अच्छा ब्लड के मेन कंपोनेंट क्या क्या होते हैं, ब्लड में क्या क्या होता है, तो ब्लड में क्या है, प्लाज्मा है, रेड ब्लड सेल्स हैं, है ना, व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, और प्लेटलेट्स हैं। ये सब क्या है, कहाँ है, हमारे ब्लड में है, मैम खून है, खून खून, ब्लड क्या है, रक्त है, खून है, क्या है, तो वो सब छोड़ो, हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, ब्लड पढ़ रहे हैं। और ब्लड के क्या क्या कंपोनेंट है, प्लाज्मा हो गया, ठीक है, RBCs हो गई, WBC हो गई, और प्लेटलेट्स हो गई। ठीक है, ये सभी कहाँ प्रेजेंट होते हैं, हमारे ब्लड में। चलो ब्लड क्या है, एक फ्लूड कनेक्टिव टिश्यू। क्यों कनेक्टिव है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट में हेल्प करा रहा है, सारे ऑर्गन्स तक सप्लाई पहुंचा रहा है ना, सेल्स टिश्यू सब काम कर कौन रहा है, ब्लड कर रहा है ना, एक कनेक्शन उठा रहा है, इसीलिए क्या है, एक कनेक्टिव टिश्यू है, which help in transport of substances। ठीक है, अच्छा जी मैम ये क्या है, ये क्या है, देखो ऐसा तो नहीं कंकड़ पत्थर तो नहीं घूम रहे हैं, नहीं भाई ये जो है ना, ये क्या है, हमारी RBCs हैं, ये ब्लड है, ठीक है ना, अच्छा जी। अच्छा ब्लड क्या होता है, ये बेटा एक वेसल है, और इस वेसल में अंदर क्या फिल होगा, हमारा ब्लड। ऐसा तो नहीं है कि बस ऐसे बह रहा है, ठीक है, ऐसे नहीं बह रहा है, ब्लड वेसल्स के अंदर जो है वो ब्लड फ्लो कर रहा है। ठीक है, चलो अब देखो नेक्स्ट क्या है, हमारा प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या है, प्लाज्मा क्या है, तो प्लाज्मा भी एक फ्लूड कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक, दैट इज ए फ्लूड पार्ट, जो ब्लड का फ्लूड पार्ट होता है वो क्या है, हमारा प्लाज्मा, जिसमें 90-95% वाटर है। ठीक है, इसमें 90-95% क्या होता है, वाटर, और भी कुछ यूजफुल अदर मटेरियल होता है, जैसे न्यूट्रिएंट्स हो गए, ठीक, न्यूट्रिएंट्स हो गए, और सॉल्ट हो गए, हार्मोन हो गए, ये
से अभी कहाँ प्रेजेंट है, हमारे प्लाज्मा में प्रेजेंट है, ठीक है, ओके चलो भाई ठीक है मान लिया। अब फंक्शन क्या है प्लाज्मा, करता क्या है, तो सीधी सी बात है हमने पढ़ा है कि कंपोनेंट ऑफ ब्लड है और ब्लड ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करवा रहा है, तो कहीं ना कहीं तो ये भी हेल्प करवा रहा है ना, ठीक है। प्लाज्मा हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस, लेकिन क्या मेनली कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजनस वेस्ट इन डिसॉल्व्ड फॉर्म, ठीक है। अच्छा जी चलिए देखते हैं आगे फिर। अच्छा जी नेक्स्ट क्या है, आरबीसीज। आरबीसीज को बेटा क्या कहते हैं, इरेथ्रोसाइट्स, ठीक है, छोटा सा नाम है, बस नाम ही याद नहीं होते हैं आपके, नहीं छोटा सा नाम है, ठीक है। तो आरबीसी को और क्या कहते हैं, इरेथ्रोसाइट। ये रेड ब्लड सेल्स होती हैं बेटा, ठीक है, इनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, और अगर इनकी लाइफ स्पान की बात करें, ठीक है, मतलब लाइफ स्पान, जैसे भाई हमारी भी तो कोई लाइफ स्पान है, हर ऑर्गेनिज्म की अपनी लाइफ स्पान है, तो इनकी भी अपनी एक लाइफ स्पान है, कितनी दिन की, 120 डेज की, यानी कि बर्थ टू डेथ तक का जो समय है, जो इनकी लाइफ स्पान है वो कितनी है, 120 डेज की होती है, ठीक है। अच्छा इनको और क्या कहते हैं, इरेथ्रोसाइट्स बोलते हैं, ठीक है। रेड ब्लड, ठीक है, रेड कलर क्यों है, क्योंकि एक पिगमेंट प्रेजेंट है, और वो पिगमेंट क्या है, क्या है वो, हीमोग्लोबिन, ठीक है, उसको हमने क्या कहा, हीमोग्लोबिन। दे आर विदाउट न्यूक्लियस, इनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। और ये देख, ये बह रहे, ये फ्लो कर रहे हैं, ये क्या है, ये हमारी आरबीसीज है, ठीक है, ये क्या है, आरबीसीज है, नहीं मैम कंपट से लग रहे हैं, कंपट नहीं है, ये क्या है, RBCs है हमारी, चलो ठीक। नेक्स्ट जो है वो क्या है बेटा, WBC, WBC मतलब ABCD तो ठीक है, लेकिन WBC क्या है, ये है बेटा वाइट ब्लड सेल्स, और क्या कहते हैं इन्हें, ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं, ठीक है। ये वाइट क्यों है, ये वाइट क्यों है, क्योंकि इसमें कलर नहीं है, ये वाइट है, मतलब ये कलर नहीं है तो ये वाइट हो गई है, चलो इन्हें और क्या कहते हैं, ल्यूकोसाइट, दे आर कलरलेस, ठीक है, दे आर कलरलेस, क्यों, क्योंकि बेटा इनमें ही वो जो पिगमेंट है ना वो प्रेजेंट नहीं है, पिगमेंट के अब्सेंट होने की वजह से ये कैसी हो गई है, कलरलेस हो गई है, एंड हेल्प इन फाइटिंग अगेंस्ट इन्फेक्शन, ठीक है, और ये क्या करती है, जो भी इन्फेक्शन वगैरह होता है ना उनसे हमें प्रोटेक्ट करती है, ठीक। अच्छा इन्फेक्शन कौन करता है, कौन करता है, इन्फेक्शन कॉजिंग माइक्रोब्स है ना, जो डिजीज कॉजिंग, इन्फेक्शन कॉजिंग माइक्रोब्स लाइक पैथोजेंस जो होते हैं वही तो करते हैं, उनसे हमें प्रोटेक्ट करने का काम कौन करती है, WBC, ठीक है। हेल्प इन किलिंग ऑफ जर्म बाय प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडी, ठीक है, क्या बना लेती है ये, एंटीबॉडी, और हमें प्रोटेक्ट करती है, ठीक। देखो ये क्या है, ये क्या हो रहा है बेटा, ये कौन सी सेल्स है, ये कौन सी सेल्स है, मैडम ये कुछ ऐसा नहीं लग रहा जैसे झाग झाग सा हो रहा है, झाग झाग सा नहीं है, ये WBC है, ठीक है, ये क्या है, WBC, और इन्हें क्या कहते हैं, ल्यूकोसाइट्स। चलो नेक्स्ट जो है वो क्या है, प्लेटलेट्स, ठीक है। अच्छा प्लेटलेट्स जो होती है बेटा, इनका अपना एक काम, ठीक है, इनका अपना काम क्या है, ठीक है, देखो आप WBC हो अपना काम करो, RBC हो आप अपना काम करो, ये क्या करती है, ये बेटा ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती है, या जो ब्लड ना जिससे मान लो हमारे क्या होता है, हम कभी गिर जाते हैं, कट लग जाता है, तो फिर ब्लड फ्लो करता है, तो ऐसा तो नहीं कि ब्लड फ्लो ही कर रहा है, फ्लो ही कर रहा है, रुक ही नहीं रहा है, क्लॉट करता है ना वहाँ पे, जम जाता है, ऐसा परत परत से जम जाती है, फिर तो वो क्या है, क्लॉट हो गया ब्लड का, तो वो जो ब्लड की क्लॉटिंग हो रही है, कोगुलेशन हो रही है, उसमें कौन हेल्प कराता है, हमारी प्लेटलेट्स, और इनको क्या कहते हैं, थ्रोम्बोसाइट, इनको क्या और कहते हैं, थ्रोम्बोसाइट कहते हैं, ठीक है। दे आर स्मॉलर फ्रेगमेंट लाइक सेल प्रेजेंट इन प्लाज्मा, कहाँ प्रेजेंट होती है, प्लाज्मा ऑफ ब्लड, ब्लड है, ब्लड में प्लाज्मा प्रेजेंट है, और प्लाज्मा में क्या प्रेजेंट है, हमारी प्लेटलेट्स, दे हेल्प इन क्लॉटिंग और कोगुलेशन ऑफ ब्लड, ठीक है। हाँ जी देखो ये हो गई हमारी आरबीसीज, ये हो गई हमारी WBCs, और ये जो फ्रेगमेंट लाइक सेल्स हैं ये क्या है, हमारी प्लेटलेट्स, ठीक है, और ये सब कहाँ प्रेजेंट है, हमारे ब्लड में प्रेजेंट है, ठीक है, पानी में प्रेजेंट नहीं है, तो पानी में प्रेजेंट है, ये सब कहाँ है, हमारे ब्लड में। चलो तो सर्कुलेटरी सिस्टम था बेटा, उसमें हमने ब्लड पढ़ना है, ब्लड वेसल्स पढ़नी है, और सबसे जरूरी हार्ट पढ़ना है, तो ब्लड तो पढ़ लिया, अब क्या पढ़ेंगे हम, ब्लड वेसल्स। ये किसकी फोटो है, पहचान रहे हो, कौन है ये, ठीक है, चलो कोई भी हो, तो अब देखो यहाँ से ये क्या है, ये पूरी सप्लाई जा रही है, क्या है ये, मैम ये ऐसा नहीं लग रहा है घरों में पाइप पड़े होते हैं, घरों के पाइप नहीं है ये ब्लड वेसल्स हैं, और इनमें क्या फ्लो कर रहा है, ब्लड फ्लो कर रहा है, और ब्लड में क्या क्या है, अभी पढ़ाया है ना पीछे, ठीक। तो क्या होती है बेटा ब्लड वेसल्स, दे आर ट्यूब और चैनल्स, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है ना, और देखो यहाँ से कनेक्ट है, यहाँ से कनेक्ट है, फिर यहाँ से कनेक्ट है ना, हमारी पूरी बॉडी में एक पूरा कनेक्शन बिठा के रखा है इन ब्लड वेसल्स ने, है ना, ठीक है। विच हेल्प इन, तो किसमें हेल्प कर रही है बेटा, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ब्लड, अभी ब्लड ऐसे तो नहीं बह रहा है, ऐसे फ्लो कर रहा है कहीं भी, बस ऐसे पड़ा है, नहीं, ब्लड जो है वो ब्लड वेसल्स में फ्लो कर रहा है,
ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट जो हम ब्लड वेसल्स पढ़ेंगे बेटा वो कौन कौन सी है हमारी, आर्टरी है, ठीक है, वीन है एंड कैपिलरीज है। कौन कौन सी ब्लड वेसल्स हम पढ़ेंगे, आर्टरीज, वीन्स एंड कैपिलरीज। अच्छा आर्टरीज की अगर हम बात करें तो आर्टरी, अच्छा आर्टरी शुरू हो रही है अगर देखा जाए तो ए से, ठीक है, आर्टरी किससे शुरू हो रही है बेटा, ए से। ए फॉर क्या होता है बेटा, आर्टरी, और ए फॉर क्या होता है, अवे, यानी कि आर्टरी का काम क्या है, ब्लड को, जो ब्लड है उसको हार्ट से अवे ले जाने का काम करती है ना। तो आर्टरी क्या कर रही है, ब्लड को क्या ले जा रही है, ब्लड जो है उसको हार्ट से अवे ले जाने का काम करती है। अगर हम बात करें कि इनमें प्रेशर कैसा होता है तो इनमें हाई प्रेशर से ब्लड फ्लो करता है, ठीक है, आर्टरीज में जो जो ब्लड फ्लो कर रहा है वो हाई प्रेशर के साथ में जाता है, ठीक, इनमें वाल्व प्रेजेंट नहीं होते हैं, ठीक है। अच्छा जी, और अगर हम इनकी वॉल्स की बात करें, ये नहीं कमरे वाली वॉल, वॉल नहीं, इनकी भी अपनी वॉल्स हैं, तो वॉल्स कैसी होती हैं, थिक होती हैं, क्योंकि प्रेशर हाई है तो जो वॉल है वो कैसी होनी चाहिए, थिक, अगर थिक नहीं होगी तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी ना, उसको बर्दाश्त भी तो करना है, हाई प्रेशर को फेस करना है जो उसमें फ्लो कर रहा है, ठीक है ब्लड। तो आर्टरी क्या करती है, ब्लड को हार्ट से अवे ले जाने का काम करती है, ठीक है, इनमें जो है वो हाई प्रेशर से ब्लड फ्लो करता है और इनमें वाल्व प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। अच्छा जी, अच्छा और इनमें ब्लड होता कैसा है बेटा, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ये कैरी करती है, आर्टरीज जो होती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, ठीक है, ठीक, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी को छोड़कर, पल्मोनरी आर्टरी में डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो क्या है हमारी, वीन, वीन की अगर हम बात करें बेटा तो यहाँ पर जो है ना वीन ये क्या कर रही है, ब्लड को हार्ट की तरफ ले जा रही है, टूवर्ड्स द हार्ट, ठीक, इनमें जो ब्लड फ्लो करता है वो इतने प्रेशर से फ्लो नहीं करता है, तो इनकी जो वॉल्स होती है वो कैसी होती है, थिन वॉल होती है, ठीक है, इसकी वॉल्स की बात कर रहे हैं हम, वीन्स की वॉल की बात कर रहे हैं। अच्छा जी ठीक है, मान ली मैम आपकी बात हमने, ठीक है। अच्छा इनमें जो ब्लड फ्लो कर रहा है वो कैसा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेकिन पल्मोनरी वीन को छोड़कर, क्योंकि पल्मोनरी वीन में ऑक्सीजन वाला ब्लड होता है, इनकी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। अच्छा जी, अच्छा इनमें क्या है, वी फॉर वीन, वी फॉर वाल्व, तो वीन्स में क्या प्रेजेंट होता है बेटा, वॉल्व प्रेजेंट होता है। अच्छा वॉल्व का काम क्या है, क्यों प्रेजेंट है ये, तो वॉल्व इसलिए प्रेजेंट होता है जिससे कि ब्लड का जो बैक फ्लो ना हो जाए, ठीक है, जिससे ब्लड है मान लो ठीक ऐसे फ्लो कर रहा है, फ्लो कर रहा है, फ्लो कर रहा है, ठीक है, अब क्या है ब्लड का मन बदल गया, हम नहीं जाएंगे ऊपर, हमको वापस आना है, अब यहाँ जा रहा था ऐसे ब्लड, लेकिन अब यहाँ जाना ही नहीं है, हमको वापस आना है, हमारा मन बदल गया, तो ऐसा ना हो, बैक फ्लो ना हो जाए, इसीलिए इनमें क्या प्रेजेंट होता है, वॉल्व प्रेजेंट होता है, क्या प्रेजेंट है, वॉल्व, ब्लड गया बंद हो गए, फिर ब्लड गया फिर बंद हो गए, जिससे कि जो बैक फ्लो रुक सके ब्लड का, ठीक है, उसको रोकने के लिए ही क्या प्रेजेंट होता है, वॉल्व प्रेजेंट होता है, ठीक है। चलो और आर्टरी जो है ना फिर और ब्रांच होती है तो आर्टरियोल बना लेती है, ठीक है, ऐसे ही वीन्स की ब्रांचिंग होती है तो वेन्यूल बना लेती है। आओ देखें जरा कैसे बना रही हैं, क्या होती हैं, चलो देखते हैं, आ जाओ, ये क्या है हमारी आर्टरीज, दीज आर थिक ब्लड वेसल्स, ये थिक ब्लड वेसल्स हैं, क्यों है, क्योंकि इनमें जो प्रेशर आता है बेटा हाई होता है ब्लड का, कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, ठीक है, यानी कि ब्लड जो है उसको हार्ट से अवे ले जाने का काम कर रही है, दूर ले जाती है, दे मेनली कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, मेनली जो ब्लड इनमें होता है वो कैसा होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी को छोड़कर, ठीक, आर्टरी आर थिक, थिक वॉल्ड होती है इनकी, ठीक है। अच्छा विद स्टैंड हाई प्रेशर ऑफ ब्लड, क्यों ऐसा है, क्योंकि इनमें जो ब्लड का प्रेशर है वो कैसा है बेटा, हाई है, इसलिए, ठीक है, ये देखो ये क्या है हमारी आर्टरीज है, और इसमें देखो ये क्या फ्लो कर रहा है, ब्लड, कौन सा ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, किसको छोड़कर, पल्मोनरी आर्टरी को छोड़कर, क्योंकि वो जो वहां पर ब्लड होता है वो डीऑक्सीजनेटेड होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट है क्या, वी, दीज आर थिन, थिन ये क्या होती है, थिन ब्लड वेसल्स होती है, विच कैरी ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट, जो ब्लड है उसको टुवर्ड्स द हार्ट ले जा रही है, ठीक है, वीन कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी वीन, क्योंकि पल्मोनरी वीन में जो ब्लड होता है वो कैसा होता है, कैसा होता है, ऑक्सीजनेटेड, ठीक है, वीन्स आर थिन वॉल्ड बिकॉज ब्लड फ्लो इन देम अंडर लो प्रेशर, इसका प्रेशर हाई नहीं होता है, इसीलिए थिन वॉल होती है, वीन्स आर प्रोवाइड विद वाल्व्स, वीन में क्या प्रेजेंट होते हैं, वाल्व्स, और वाल्व्स का काम क्या है, अभी हम पढ़ क्या है, क्या,
प्रिवेंट दी बैक फ्लो ऑफ दी ब्लड, ठीक है, जिससे कि एक ही डायरेक्शन में ब्लड जो है वो फ्लो करे, ठीक है। ये आर्टरी है, यहाँ पर हमें कोई वॉल्व नहीं दिख रहा है, ये वीन है और यहाँ पर देखो ये क्या प्रेजेंट है बेटा, वॉल्व प्रेजेंट है, ठीक। ये देखो थिक है, ये कैसी है, थिन है, ठीक है। ये आर्टरी और वीन हो गई हमारे, ठीक है। अच्छा अब देखो ये क्या है हमारी आर्टरी, आर्टरी में कैसा ब्लड आता है, ऑक्सीजनेटेड। आर्टरी और ज्यादा थोड़ी सी ब्रांच होने लगती है तो इसे हम क्या बोलते हैं बेटा, आर्टियोल। ऐसे ही वीन है, ठीक है, टुवर्ड्स द हार्ट ब्लड को ले जाती है, ठीक। कौन सा ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड। यहाँ से देखो थोड़ी सी ब्रांचिंग स्टार्ट हो गई है जिसे हम क्या बोलते हैं, वेन्यूल। और ये फर्दर और ब्रांचिंग हो रही है, और ब्रांचिंग हो रही है, और ब्रांचिंग दिख रही है ना जो, इसको हम क्या बोलते हैं, कैपिलरी नेटवर्क। यानी कि ये है हमारी कैपिलरीज, ठीक है, चलो ये हमारी कैपिलरीज हैं। तो ये क्या होती है, दीज आर थिन, ये बहुत थिन होती हैं एंड नैरो ब्लड वेसल्स, ठीक है, जो कनेक्ट कर रही है आर्टरी को वीन से। आर्टरी को वीन से कनेक्ट करने का काम कौन कर रहा है, ये नेटवर्क, और ये नेटवर्क किसका है, कैपिलरीज का, ठीक है। Which veins carry blood to each every cell of the tissue or organ, ठीक है। अच्छा चलो अभी देखते हैं फंक्शन क्या है, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, मटेरियल के एक्सचेंज में हेल्प करवाती है, ठीक है। ये नहीं कि हमने तुमसे उधार लिया था वापस करो, वो वाला नहीं है, ठीक है। बिटवीन ब्लड एंड सराउंडिंग सेल टेक प्लेस थ्रू कैपिलरीज, कैपिलरीज से कैसे काम हो रहा है देखो बेटा ध्यान से। मान लो कि ये फाइन ब्रांचिंग आ रही है ऐसी 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 ऐसी, और ये क्या है, कैपिलरीज है। यहाँ पर हमारे ऑर्गन टिश्यू सेल्स, ठीक है, चलो ये रही सेल्स। अब क्या है, यहाँ से जो है ना एक्सचेंज होना है बेटा, ठीक है, क्या होना है, एक्सचेंज। तो एक्सचेंज हो गया, लो यहाँ से ये आ गया, ये लो ये जा रहा है, एक्सचेंज हो रहा है। तो ये जो एक्सचेंज हो रहा है ना, वो किसकी हेल्प से हो रहा है, फाइन ब्रांच जो है ना वो क्या है हमारी, कैपिलरीज, उनकी ब्रांच से। अगर कैपिलरीज की बात करें तो ये एक सिंगल लेयर थिक वॉल्ड होती है इनकी, बस वन सेल्ड थिक, इतनी ही थिक होती है ये, ठीक है। हाँ ये देखो, ये अगर इनकी थिकनेस की बात करें तो ये वन सेल थिक होती है, ठीक है, कौन कौन, कैपिलरीज। और नेटवर्क से किसको कनेक्ट किए हुए, आर्टरी एंड वेन को कनेक्ट किए हुए, और किसमें हेल्प करवा रही है, एक्सचेंज में हेल्प करवा रही है, उधार का नहीं है कि दिया था हमारा वापस करो, वो वाला एक्सचेंज नहीं करवा रही है ये, ठीक है। चल तो ये क्या हो गई, हमने क्या पढ़ लिया, वेन पढ़ लिया, आर्टरी पढ़ लिया एंड कैपिलरीज पढ़ ली, ठीक है। अब जरा एक चीज और देखो, क्या मैंने आपको बताया कि टुवर्ड्स द हार्ट ले जा रही है, अभी फ्रॉम द हार्ट ले जा रही है। देखो बेटा मान लो कि यहाँ पर हमारा क्या प्रेजेंट है, चलो ठीक है, यहाँ पर हमारे ऑर्गन प्रेजेंट है, ठीक है, क्या प्रेजेंट है, ऑर्गन, ठीक। अब क्या होगा, आर्टरीज, और आर्टरीज क्या कर रही होंगी, ब्लड को यहाँ से यहाँ अवे फ्रॉम द हार्ट, ठीक है, अवे फ्रॉम द हार्ट ले जाने का जो काम है वो कौन कर रही है, आर्टरी। कैसे देखते हैं, देखो ध्यान से, ठीक है, आर्टरी क्या कर रही है, ब्लड को कहाँ ले जा रही है बेटा, अवे फ्रॉम द हार्ट, लो भाई अवे फ्रॉम द हार्ट ले गए, ठीक है, अवे फ्रॉम द हार्ट ले गए, किसकी हेल्प से, आर्टरीज की हेल्प से, ठीक। और वीन्स क्या कर रही है, वीन्स बताया था ना, वो क्या कर रही है कि ब्लड को टुवर्ड्स द हार्ट ले जा रही है, यानी कि ये लो, ये कौन ले आया, ये किसकी हेल्प से आ रही है, वीन की हेल्प से, कहाँ जा रही है, टुवर्ड्स द हार्ट। तो ये जो काम है, ठीक है, ये किसके थ्रू होता है, आर्टरी एंड वीन। लेकिन फिर भाई एक एक्सेप्शन है, क्या, पल्मरी आर्टरी एंड पल्मरी वीन का, ठीक है। चलो तो हमने रेड वेसल्स पढ़ ली, ठीक है ना, याद कर लिया कि कौन अवे ले जा रहा है, कौन टुवर्ड्स ले जा रहा है। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आराम से पढ़ना, रिविजन करना, ये नहीं मैम आगे पढ़ रहे हैं तो पीछे भूल रहे हैं, पीछे भूल रहे हो इसका मतलब रिवीजन नहीं हो रहा है, अच्छे से रिवीजन करो, मल्टीपल रिवीजन करो। देखो बेटा जब हम पढ़ाई करते हैं तो प्रॉब्लम कहीं ना कहीं आती है, ठीक है ना। प्रॉब्लम का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि प्रॉब्लम आ गई, बहुत बड़ी दिक्कत आ गई, नहीं, मतलब हमें चीज़ें याद नहीं होती हैं, नहीं याद हो रही हैं, हम मेहनत कर रहे हैं, मेहनत और हिम्मत दो चीज़ें नहीं छोड़नी चाहिए, ठीक है। तब तक आप पढ़िए, रिविजन कीजिए, अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में।